यार क्या करूँ, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। आजकल 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी निखर सकती है। दोस्त, आज तुम अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा, कब तक अपने माँ बाप के दिए हुए टुकड़ों पर पलूँगा। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वह दिन भी आ जाएगा जब तुम कल मर रहे होगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे कि कल करूंगा? जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई सारी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, कि कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपके माता पिता आपसे। आपके माता पिता आपके लिए जीने मरने को भी तैयार हैं और आप 5 मिनट पढ़ने तक को नहीं तैयार हो। आप आज ही ये सोच लो कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो यह सोचे बैठी ही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो थोड़ी सी कोशिश तो कर, अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाया तो तेरे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुझे आने वाले 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आज भी उतनी ही मोटिवेशन देती है जितना कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की वीडियो देते हैं। कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, कोई तो ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दे। अपनी औकात के लिए पढ़ लो, अपने दुश्मनों के लिए पढ़ लो और कोई नहीं तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, क्योंकि उनकी उम्मीद हो तुम। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए वो जीने मरने तक के लिए तैयार होता है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप सपने देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि लाखों वीडियोस को छोड़कर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप और लोगों से अलग हो। आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हो। आप जल्द से जल्द अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करना शुरू करो। आज ही से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको ज़मीन से आसमान तक बहुत ही इजीली पहुँचा सकती है। आपके माता पिता का सपना बस यही है कि आप पढ़ लिखकर एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ। और अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस करवाना चाहते हो, तो आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।